बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल कर। चकोरिया, चकोरिया हाथ दे, तोरा हाथ दे। तू यहाँ क्या कर रही थी? अरे वो तो अच्छा हुआ कि हमने तोरी आवाज सुनी, तोरे माई बापू के लिए पानी लेने जा रहे थे। लेकिन चकोरिया, अगर हम नहीं आते तो तू इतने बड़े गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकत। एक बात बता, तो का इतना बड़ा गड्ढा दिखाई नहीं दिया का? नहीं छगे, गड्ढा गोल होता है। ये जरूर किसी के लिए खोदी गई कबर लगती है। हाँ चकोरिया, ये तो सच में कबर ही लग रही है। कमल नारायण के राज में कुछ भी हो सकता है, लेकिन चकोरिया ये कबर है किसके लिए? कबर लंबी लगती है, जरूर किसी लंबे इंसान के लिए। चकोरिया, ये कौन का हो सकता है रे? रागिनी की। अगर रागिनी किसे मारने का प्लान बना सकती? कमल नारायण के सिर्फ दो बड़े दुश्मन, एक हम और एक सूरज। हम तो बाहर है और इसका मतलब सूरज बाबू। छगन तुम माई बाबू के पास जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। ठीक है चकोरे, ठीक है हम जाते हैं। पता नहीं इस चकोर से डिवोर्स कब मिलेगा, यहाँ सोना तो मुश्किल हो रहा है। पैर फिट करने जाओ तो सर बाहर निकलता है, सर फिट करने जाओ तो पैर बाहर निकलता है। कैसे सोया? इसका मतलब वो लोग सूरज को मारने वाले। सूरज इस वक्त हवेली में बिल्कुल अकेला हो, उंगली और विवान बस्ती में, और हम भी, हमें सूरज को बचाना होगा, हमें ही कुछ करना होगा। इमली दरवाजा खोलो। सॉरी इमली, हमसे गलती हो गई, हमें तुम्हें बता देना चाहिए था। दरवाजा खोलो इमली, हमें माफ कर दो। इमली एक बार दरवाजा तो खोलो। हमें क्षमा कर, तुम्हें सारी को देखकर इतनी खुश हो गई थी कि हमें सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। अगर हमेशा हालात ऐसे नहीं रहेंगे, हम तुम्हें दिवाली का बहुत खूबसूरत सा तोहफा ला कर देंगे, ये वादा है हमारा। तुम जानते हो विवान, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा तोहफा का होवत है, वो होवत है उसके पति का स्वाभिमान। हम बहुत खुश है विवान कि आपने हमारी खुशी के कारण किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाया। तो बस ये हमारी सबसे बड़ी खुशी हुई है और सबसे बड़ा तोहफा भी, जो आपने हमका ईद पावली दी। एक मिनट काकी, काकी ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट है। बचुआ जुग जुग जियो,
ऐसी सैकड़ों दिवालियां मनाओ, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बजुआ। पता है विवान, ये हमारी असली खुशी हुई, इस तरह एक दूसरे का हाथ थाम खुशियों के फूल खिला। क्या बात है सूरज यार, तुम तो कमाल करते हो। अबे हम हमेशा कमाल करते हैं, तुम कमाल करके दिखो। एक बार भागने, सब तैयारी हो चुकी है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, समझ रही हैं आप? हम जानते हैं पापा, हमने सब तैयारी कर ली है, लेकिन उससे पहले इस हवेली में एक ऐसी औरत है जिसे यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है, वरना वो हमारा खेल बिगाड़ देगी। रागिनी, उसकी चिंता तुम मत करो, उनको हटाने का बंदोबस्त हम अभी करके आते हैं। इनका मुंह बंद करो और किसी कमरे में डालो। सूरज, हमारा बेटा सूरज का। सूरज, आराम से। सूरज, सूरज हमारा फोन भी नहीं उठा रहा। हमें सूरज के आदमियों को सतर्क करना होगा। अगर शीकू है कहाँ, मैं शीकू को ढूंढना होगा। मैडम, आप कहाँ जा रही हो? मैं सूरज से मिलना। अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है, आप चले जाइए। क्या बात है चकुर भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है? शीकू, हमें तुमसे बात करनी है, चलो। काम हो क्या है? मालिक का हुक्म है कि सूरज बाबू का कोई आदमी बचना नहीं चाहिए, समझे? शिकु, सूरज की जान खतरे में, कमल नारायण उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या? अरे चकोर भाभी, आपको शायद गलत खबर लगी, वो सब तो अंदर मजे लूट रहे हैं, बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। ये सब कमल नारायण का ड्रामा है। कमल नारायण के आदमियों ने सूरज के लिए कबर भी खोद के रखी, आज की रात सूरज के लिए बहुत भारी है। हम अभी अपने सारे आदमियों को होशियार कर देते। चलो जल्दी। ठीक है। हे भगवान, कमल नारायण के आदमियों ने सूरज के आदमियों को। अरे चकोर भाभी, इन लोगों ने हमारे सारे आदमियों को मार डाला। आप ठीक बोल रही है चकोर भाभी, सूरज बाबू की जान को खतरा, अब हम क्या करें? हम अभी जाकर सूरज बाबू को बचाते हैं। नहीं शिकु, अंदर मत जाओ। चकोर भाभी, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो लोग सूरज बाबू को जान से मार देंगे। शिकु रुक जाओ, अगर तुम अंदर चले गए तो कमल नारायण के आदमी अभी से सतर्क हो जाएंगे, हमें कुछ सोचने दो। शिकु, वो क्या है? वहां तो नाचने वाली तैयार हो रही है। तुम्हारे पास बंदूक है? हाँ। दो हमें। हेलो, हम चकोर बोल रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। जी शिको,
क्या बात? पापा मजा आ रहा है? आगे और मजा आएगा। हमने कहा था ना आपसे, इस दिवाली की रात को आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ऐसा क्या होने वाला है पापा? बहुत कुछ होने वाला है बेटे, ऐसी भी क्या बेसब्री। सब्र रखिए, जो भी होगा आपकी आंखों के सामने ही होगा। नाच गाना खत्म, मरने के लिए तैयार हो जा। तू हमें धोखा देगा और हम तुझे क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। कमल नारायण राजवंशी के शब्दकोश में माफी क्षमा जैसे शब्द नहीं है रे। नमक खराब, हमें मारने की कोशिश की थी तूने। चल देखते हैं कौन मरता है। तैयार हो जा, चल 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 चल। रुकावट के लिए खेद है सूरज भैया, लेकिन आपका स्टॉप अब आ गया है। है? अरे पापा, रागिनी, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं और हम ऐसे नशे में क्यों बातें कर रहे हैं? एक मिनट, सूरज राजवंशी, एक्टिंग ओवर। गॉट इट, बहुत बोले हैं आप लोग। क्या प्लान था? हमें पिला पिला के टुन कर देंगे और फिर ऐसे मार देंगे। लेकिन जरा इतना तो सोचते कि जिस शराब की बोतल से हमें पिला रहे हैं, उस बोतल में शराब है या शरबत? पीछे मुड़कर देखिए, पापा हमें आप पर शक हो गया था, आपने हमें क्षमा कर दिया, अपने साथ रख लिया, जबकि क्षमा और आपका चरित्र बिल्कुल विपरीत है। आप हमें क्षमा कैसे कर सकते हैं? हम समझ गए थे कि आप लोग नाटक कर रहे हैं, तो हमने भी नाटक किया। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये छोटा सा दिवाली स्पेशल ड्रामा? वो क्या कहते हैं? बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी।
कि कमल नारायण ने कैसी बाजी पलट दी। क्या हुआ चूहे? बेटा दस नंबरी तो बाप सौ नंबरी। क्यों रे? अरे अफसोस अफसोस, इसकी मूछें तो इसके बाप की मूछों से भी बाप की मूछों के बराबर नहीं है। हमें जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। तो चुंदर सुन, तेरे जाने के बाद सारी तैयारियां हो चुकी है। हमारी बेटी बेटी रागिनी ने तैयारी की है। तेरी मौत को हम आत्महत्या करके साबित करेंगे। आत्महत्या? आत्महत्या क्यों 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 पूछ तो? आत्महत्या इसलिए क्योंकि तूने अपने बाप को मारने की कोशिश की, इसके पश्चाताप में तू अंदर से मर रहा था। वो पश्चाताप तुझे अंदर से खा रही थी, इसलिए तूने क्या किया? पिस्तौल उठाई और मर गया। किसे याद करना चाहता है तू? अपनी मम्मी को? मम्मी 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 का पिल्ला, मम्मी बोल 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 बोल, मम्मी 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 मम्मी। अपनी पिस्तौल नीचे फेंक दीजिए कमल नारायण जी, और अपने इन आदमियों से भी कहिए कि अपनी अपनी पिस्तौल नीचे फेंक दें, क्योंकि अगर हमारी एक गोली चली ना तो पूरा सीन बदल जाएगा। पागल लड़की, आ रहा पिस्तौल, आ रहा। पहले आप हटाइए। पागल हो ये क्या? अंजाम क्या होगा तू नहीं समझती? हटाइए इसे। हमने कहा ना आप हटाइए। बनवारी लाइन चलाओ, सूरज को जाने मत देना। सूरज दिखाई दे रहा है, है? सूरज कहाँ है? सूरज कहाँ है? चकोर भी नहीं दिख रही है? लगता है चकोर और सूरज बच के भाग गए पापा। अरे पीछा करो उनका, सूरज बच के ना जाना पाए, ढूंढो उसे। आ ढूंढो चारों तरफ, भाग लेना भाई। वो सूरज और तेज भागो, कमल नारायण के आदमी हमारा पीछा करते ही होंगे। अरे वो जा रहे। सूरज जल्दी, we'll be right back.
इधर ही कहीं है। रुक, ऐसे ना ही मिलेंगे, अलग अलग ढूंढो। उधर देख, ए, चल चल चल। मिलेगा? कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं मिले तो मालिक मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मारने का इरादा था क्या? अगर मारना ही हो तो तुम गुंडों के पास नहीं छोड़ देते तुम? हम क्या करेंगे? हवेली से तो बच गए, लेकिन ऐसे भागते कहाँ फिरेंगे? हवेली से ज्यादा दूर हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि ना तो तुम कायर हो ना हम। हाँ, लेकिन ऐसे मौत के मुंह में जाना वो भी तो बहादुरी नहीं है, बेवकूफी है। बेटी, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम कमल मरण और रवि के खिलाफ खड़े हो सके। हमारे पास कोई ढाल होनी चाहिए। सूरज, अपना फोन दो। फोन अभी यहाँ क्यों? फोन दो। हेलो, हम चकोर बोल रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। जी धन्यवाद, तुम्हारे पास एक आइडिया। कछु मिला का? अरे नहीं, कुछ नहीं मिला। अरे पता नहीं साले कहाँ गायब हो गए। उधर देखो सब, चलो। चलो जल्दी। इवान, आई बाबू भी घर पे नहीं, कहाँ चले गए सबके सब? हम चकोर को फोन करके देखते। चकोर का फोन भी नहीं लग रहा। आई बापू का फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ चले गए। हमारा जी बहुत घबरा, पता नहीं कहाँ हुआ होगा उनके साथ। जी चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हम खुद चल कर ढूंढते हैं ना उन्हें। अगर आज सूरज की लाश नहीं मिली तो सच कह रहे हैं, लाशें बिछा देंगे हम यहाँ, सभी को जिंदा गाड़ देंगे, यही है हम हवेली में। और उस छिपकली चकोर को भी चौराहे पर लटका देंगे। सच बोल रहे हम। मिल जाएंगे पापा, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ है वो सूरज? कहाँ? मालिक, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन उसका कहीं पता ही नहीं है। लगता है वो सीतापुर निकल गए। मुश्किल रोटी। Stop!
आ रही है। ये चिपकली बहुत समझदार है, आजा आजा। बहुत कमाल का काम किया है तूने चको, बहुत जल्द तेरी समझ में आ गई कि डूबती नहीं हमें, बैठते रही। इसे हमारे पास लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इनाम देंगे, चले। हम इनाम लेने नहीं आए, आपको ये बताने के लिए आए कि जब तक हम सूरज के साथ हैं, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना उसका और ना हमारा। आप हमारे दुश्मन थे, दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। ए, ए, तेरी औकात क्या है? तू बचाएगी? एक बात याद रख, ना इससे तेरा कोई संबंध है और ना इस हवेली से। आप भूल रहे, हमारा और सूरज का तलाक कभी हुआ नहीं। हम अभी भी सूरज की पत्नी हैं और सूरज की पत्नी होने के नाते इस हवेली पर हमारा पूरा अधिकार है। इसलिए एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जब तक हम साथ हैं, आप हमारे पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ए लड़की, बंद कर अपनी बकवास। पापा हम तो कहते हैं इन दोनों को यही गोली मार दो और दफन कर दो उसी कब्र में। वही निभाती रहना अपनी पत्नी होने का रिश्ता, समझे? तो हमेशा साथ रहोगे। अच्छा हुआ रागे, जो उस कब्र के पास तुम अपनी एक कान की बाली छोड़ा, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि वो कब्र तुमने किसे मारने के लिए खोदी थी। मैं चिपकली, इससे कुछ नहीं होगा, समझ रही है तू? इससे कुछ नहीं होगा, चाहे ना इसे अभी मार सकते हैं, अभी ट्रिगर दबा दे। क्या करेगी तू? क्या कर लेगी तू? भाई पापा, आप लोग कहाँ थे? हम दोनों ने दिवाली भी अकेले मना ली, और दीदी का कहीं दिखाई नहीं दे रही। इमलू ही तू का बोले थे, चकोरिया तो कब की बस्ती चली गई, तू का मिली नहीं? कस्तूरिया, ई का मतलब ई हुआ कि छगनवा की खबर एकदम पक्की है, चकोरिया जरूर वहीं गई हुई है। वहां कहां बापू, कहां गई होगी? बोलिए काका, कहां गई है वो? विमान बाबू, एक काम करो, तुम दोनों जल्दी जल्दी हवेली चले जाओ। पर बात क्या है? छगनवा बता रहा था कि कौनो सूरज बाबू को मारने की योजना बना रहा है, तो चकोरिया वहीं गई हुई है। क्या, सूरज को मारने की योजना? हाँ विमान बाबू, जल्दी जाओ। चलो। कमल नारायण जी, हमने कहा ना, आप अपनी इस बदतमीज लड़की की बातों में आना बंद कर दीजिए, वरना किसी दिन आपकी जो ये थोड़ी बहुत इज्जत भी बची है ना, वो भी चली जाएगी। और रागिनी, शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। हमने अभी अभी कहा कि अगर तुमने हमारे पति को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम फिर भी उन्हें मारने की धमकी दे रही हो। उसने धमकी दिया होता तो ठीक है। चकोर जी, कौन आपके पति को मारने की कोशिश कर रहा है? मीडिया को यहां किसने बुला लिया?